स्वराज ने दे दिया टोचन किंग को धोखा। जॉन डियर होता तो बच जाती जान। जॉन डियर पर था निशु को खुद से ज्यादा भरोसा। स्वराज को चलाता था डरते डरते। आखिर क्या हुई गलती? क्या पहले मालूम था टोचन किंग को अपना अंत? निशु का लक्की जॉन डियर दो बार पलट चुका था। हवा में घूमाता था उसको एयरप्लेन की तरह। बाल भी नहीं हुआ था बांका, फिर स्वराज इतना कमजोर कैसे? नतीजे पर पहुंचे से पहले जरा ये वीडियो सुनिए। बड़ा बताया भाई, मेरा एक दोस्त है जो उसके इंटरव्यू लेकर आया करता, मैंने उसको फोन कराया था, वो बताओ था। अब भाई भाई टायर बदलता रहा करता, अरे कल टायर बदलने में कोई नट ना ढीला रह गया, जिसके कारण मुरगाड़ गया टूट। और मुरगाड़ टूटते जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर भाई के ऊपर आ गया। तो भाई लो कार मशीनगरी का कोई भरोसा नहीं। जिस चीज़ तो भाई ने अपनी पहचान बनाई, उस चीज़ ने भाई की जान ले ली। मैं थरते सब तनियों कहूंगा भाई, ज्यादा ज्यादा भाई के सपोर्ट में वीडियो बनाओ, ताकि हरियाणा सरकार भाई ने कुछ मुआवजा दे, कुछ आर्थिक सहायता। निशु देशवाल शुरू से ही अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को अपना लकी ट्रैक्टर मानता था, क्योंकि उसी की वजह से निशु जायसवाल आज जो था वह बन पाया था। स्वराज को तो उसने बस अभी अपने ऑडियंस के लिए लिया था। निशु ने जब अपने स्वराज ट्रैक्टर के टायर अपग्रेड कराए और उसके बाद मड गार्ड को दोबारा लगवाया तो निशु से गलती हुई, जिसको खामियाजा उसे आज अपने जान देकर छूकाना पड़ा। टायर अपग्रेड करते वक्त निशु को मड गार्ड के लिए ओरिजिनल नट बोल्ट नहीं मिले और पीछे लगी हुई म्यूजिक सिस्टम में सपोर्ट एंगल भी कमजोर साबित हुई, जिसकी वजह से जब निशु ने ट्रैक्टर को हवा में सीधा उठाया तो मड गार्ड के दोनों बोल्ट उखड़ गए और ट्रैक्टर सीधा निशु के सिर के ऊपर आ गिरा। स्वराज ट्रैक्टर में जॉन डियर की बजाय आगे ज्यादा वजन होता है, इसलिए जब तक सीधा हुआ तो आगे वजन ज्यादा होने की वजह से नट बोल्ट पर ज्यादा वजन आया और टूट गए। जॉन डियर ट्रैक्टर हमेशा ही निशु के लिए हमेशा ही लक्की था। निशु उसको हमेशा साथ रखता था। अपनी शादी के दिन भी बारात मैंने अपने लक्की ट्रैक्टर जॉन डियर को साथ लेकर गया था। उसके चाहने वालों का भी यही कहना है कि अगर निशु के पास उस दिन जॉन डियर होता तो जान बच जाती। निशु के पिता और मां का रो रोकर बुरा हाल था। निशु की पत्नी की भी हालत में पिछले दो दिनों में कोई सुधार नजर नहीं आया। अपने बेटे की ओर देखकर निशु की वाइफ खाना खा रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें सांस ही न हो। निशु के बेटे की आंखों में पापा का इंतजार अब भी साफ नजर आ रहा था। हालांकि परिजनों ने मीडिया से बात नहीं की। निशु की मां विलाप करती कह रही थी कि अगर उसे आज पता होता तो उसे कभी न जाने देती। हरियाणा के पानीपत के कुराड़ गांव का यूट्यूबर निशु देशवाल दो भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी 12वीं पास करने के बाद ही स्टंटमैन बनने की रुचि बन गई। उसकी यूट्यूब पर वीडियो देखकर स्टंट करने की चाह हुई। पिता जयवीर किसान है तो घर में ट्रैक्टर भी था। पहले निशु ने जॉन डियर ट्रैक्टर से शुरुआत की, लेकिन अब निशु ने स्वराज 855 ट्रैक्टर भी ले लिया था। निशु ने कल